हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद दितिमन में। केवीएस टीचर रिक्रूटमेंट, 5 केंद्रीय विद्यालयों से एक साथ बाल वाटिका शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। सभी जानते हैं कि बिना परीक्षा यहाँ पर टीचर बन सकते हैं, तो यदि आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं अपने नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय में, तो फटाफट से जो है वो नोटिफिकेशन देख लेते हैं पाँचों केंद्रीय विद्यालय का कि आपके नज़दीकी जो है कौन सा विद्यालय पढ़ रहा है। आप लोगों को यहाँ पर जरूर अप्लाई करना चाहिए, गुड अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस बार जो है वो ये बाल वाटिका स्कूल जो है वो खुले हैं केंद्रीय विद्यालय में, और नेक्स्ट ईयर जो है यहाँ पर परमानेंट जो है वो टीचर्स रख लिए जाएंगे। जो यहाँ पर एक्सपीरियंस एक साल का जो है गेन करेगा, उन्हीं को प्रायोरिटी जो है वो नेक्स्ट ईयर भी दी जाएगी। तो आपको ये जो अपॉर्चुनिटी है बिल्कुल नहीं खोनी है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि वैकेंसी कहां कहां से आई है। तो केंद्रीय विद्यालय ओएफ मुरादनगर गाजियाबाद से पहली वैकेंसी है, और ये इसका जो है वो कंप्लीट नोटिफिकेशन है कैसे अप्लाई करना है। तो बहुत सारे वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, तो पिछले जो है वो 12-13 दिनों के वीडियो आप देखें, वहां डिटेल में सारी चीजें समझाई हैं। फिर भी मैं आप लोगों को लास्ट में बता दूंगी कैसे अप्लाई करना है। तो केंद्रीय विद्यालय आयुध निर्माणी मुराद नगर, ठीक है, गाजियाबाद, तो यही जो है वो स्कूल का एड्रेस भी है जहां आप लोगों को वॉक इन इंटरव्यू के लिए पहुंच जाना है 22 जुलाई को। प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक जो है वो आप लोगों का यहाँ पर रहेगा इंटरव्यू, और इंटरव्यू में कुछ खास चीजें नहीं पूछी जाएंगी। आपको पता है जब कोई नया स्कूल जो है वो खुलता है तो टीचर्स की रिक्वायर्ड वहां बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर जो है वो केवल टीचर्स का जो है इंट्रो लेकर ही उन लोगों को रख भी लिया जाता है, ठीक है। तो इतनी अच्छी जो है जॉब को आप नहीं छोड़ें। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से यदि आपने 50% अंकों के साथ 12वीं और साथ में जो है वो आपने डिप्लोमा नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में यानी एनटीटी पूर्व विद्यालय शिक्षा या प्रारंभिक बाल शिक्षा कार्यक्रम DECET 2 वर्ष से कम नहीं, और या फिर आपने एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड किया है नर्सरी से, तो आप लोग यहां पर एलिजिबल हो जाते हैं और आप लोग यहां पर अप्लाई करेंगे। यहां पर जो है अगर आपको जाना है, बिल्कुल नोटिफिकेशन कंप्लीट देखना है, अप्लाई कैसे करना है, तो आप लोग इसकी जो है वेबसाइट है इसी विद्यालय की www.muradnagar.kvs.ac.in, क्योंकि कई बच्चे जो है यही पूछते हैं कि हमने जो है वो किस एड्रेस पर जाना है, कहाँ जाना है। तो सबसे ऊपर आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो एड्रेस दिया हुआ है, केंद्रीय विद्यालय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर गाजियाबाद, ठीक है। इसी पर जो है वो आप लोगों को वॉक इन इंटरव्यू के लिए उसी दिन जाना है, जिस स्कूल के आप अप्लाई कर रहे हैं वहीं पर ही आपका इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वह केंद्रीय विद्यालय AFS मेमोरा से आया है, ठीक है। और मेमोरा आपको पता है कि लखनऊ में है, और लखनऊ कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो यहां पर जो है साक्षात्कार की जो डेट है वह 22 जुलाई है, तो 22 जुलाई को आप लोगों को जो है स्कूल पहुंच जाना है, 9 बजे तक तो आप लोग जो है वो पहुंच ही जाएं। उसके बाद तीसरी जो नोटिफिकेशन है वह केंद्रीय विद्यालय कोराटपुर से आया है, ठीक है। और यहां पर जो इंटरव्यू होगा वह है आपका 21/7/2023 को होगा, फ्राइडे के दिन। यहां पर भी क्वालिफिकेशन जो है वही मांगी गई है, 12वीं के साथ 50% अंक और डिप्लोमा आपका एनटीटी प्री स्कूल एजुकेशन में, और साथ में जो है अगर आपने बीएड नर्सरी किया है तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। यहां पर जो है वो बिल्कुल आप घबराएं नहीं, इंग्लिश या हिंदी दोनों ही मीडियम रहते हैं, यदि आप हिंदी में कंफर्टेबल रहते हैं तो आप लोग इंटरव्यू अपना हिंदी में देंगे। पहले ही जो है वो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं या इंग्लिश में हैं, तो आपकी जो भी भाषा हो जिसमें आप लोग बहुत अच्छे से जो है वो इंटरव्यू दे तो वही चीज जो है वो आप लोग कहेंगे भी। नेक्स्ट जो केवीएस है जहां से वैकेंसी आई है, तो यहां पर वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपको 19 जुलाई को जाना है, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 AFS आगरा। सैलरी जो है वो आपको 21,250 मिलेगी, ऐसा नहीं है सभी जो है फिक्स है, 21,250 से स्टार्टिंग है, कहीं कहीं पर आप देखेंगे 23,000 तक भी सैलरी जो है वो टीचर्स को मिल रही है। तो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन वही रहेगी, यहाँ जो है नंबर 1 आगरा कैन .kvs.ac.in, ये इसका जो है वो लिंक है जहां आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म लेकर आपको साथ में जो है वो लेके जाना है अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है उसके साथ में 2 फोटोग्राफ। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वह केंद्रीय विद्यालय बारगढ़ से है, ठीक है। और यहाँ पर जो इंटरव्यू की डेट है वह आपकी है 21 जुलाई 2023 by 9 AM, ठीक है, 9 बजे आप लोगों को 21 जुलाई को जो है पहुंच जाना है। यहाँ पर जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वही रहेगी, साथ में देखिए यहाँ पर एक म्यूजिक कोच की भी आवश्यकता है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद एट 50% मार्क्स, इंटरमीडिएट विद एट लीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है, और बैचलर डिग्री इन म्यूजिक में चाहिए। इसके साथ जो है वो पढ़ाने का जो तरीका है आपका हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों ही हो सकता है,
तो इस तरीके से पांचों नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखा दिए हैं। सबसे पहला जो है वो आगरा से है, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 वायुसेना स्थल आगरा, ठीक है। दूसरा नोटिफिकेशन जो है वह केंद्रीय विद्यालय AFS मेमोरा लखनऊ उत्तर प्रदेश से है। उसके बाद नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया, केंद्रीय विद्यालय आयोग निर्माणी मुरादनगर गाजियाबाद से है, ठीक है। अगला जो नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया वह ओडिशा से है, कोराटपुर से। फिर देखिए जो अंतिम मैंने आपको बताया था नोटिफिकेशन वह आया था बारगढ़ ओडिशा से। तो जितने भी बच्चे ये पूछते हैं कि हमें जो है इंटरव्यू कहाँ देने जाना है, तो जिस भी स्कूल के लिए आप अप्लाई करें उसी स्कूल में आप लोगों का इंटरव्यू होगा, ठीक है। डेट जो है वो आपने देख ही ली है, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है, अप्लाई कैसे करना है। तो इसकी जो है वो मेन वेबसाइट पर जाकर आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेंगे और उसके साथ में अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं ओरिजिनल और साथ में उनकी जीरोक्स कॉपी लेकर आप लोग समय पर स्कूल में पहुंच जाएंगे। थैंक यू।